हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इसमें वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक रेफरल कोड लिखा हुआ है। ये रेफरल कोड आप लोग अनअकैडमी पर अगर किसी भी कोर्स का बच्चे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं तो आपको ये रेफरल कोड लगाना है। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप लोग याद रखना है, एक ही रेफरल कोड याद रखना है, ABSIR10। क्लियर है बच्चे? अब देखिए, जो जब भी आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में एक गोल सेलेक्ट करिए, एसएससी गोल सेलेक्ट करना है। एसएससी गोल सेलेक्ट करने के बाद में प्लस पे जाना है, प्लस पे जाने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन करना है। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको जितनी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। फाइनली जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन रहेगा। तो रेफरल कोड आपको ABSIR10 जैसे ही आप लिखेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका यहाँ पर 10% अमाउंट कम हो जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट आपका हो गया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए हमारे रेफरल कोड का प्रयोग ज़रूर करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार जानदार इंडियन पॉलिटी का एक कोर्स लेकर के आया हूँ। ये इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स है आपका कल से यानी कि 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से 28 अगस्त से इस कोर्स को ज्वाइन करिए और इसमें आप लोग इनरोलमेंट ज़रूर कराइए। यहाँ पर भी एसएससी कैटेगरी में है बच्चे ये, और यहाँ पर भी आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग ज़रूर करेंगे। हमारा रेफरल कोड है ABSIR10। यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। क्लियर हो गए बच्चे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग हमारा ये पूरा शेड्यूल है, यानी कि जो भी हमारी क्लासेस होती है एक बार हम लोग बता देते हैं बच्चे इसको। 7 AM पर मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास है, और जो करंट अफेयर्स की क्लास जो है आपकी अनअकैडमी पर है। दूसरा 9 AM पर जनरल हिंदी की क्लास है आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर है। उसके बाद में 1:30 PM पर GS की क्लास है, ये भी आपकी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर है। उसके बाद में 2:30 पर अनअकैडमी पर क्लास है, ये GS की क्लास है बच्चे। उसके बाद में 5 PM पर आपकी वाईफाई स्टडी SSC एग्ज़ाम चैनल पर, जहाँ पर आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं, तो ये क्लास भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में 10 PM पर अनअकैडमी पर आपकी GS की कंसेप्चुअल बेसिस क्लास है। तो ये सारी की सारी क्लासेस में आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो ज़रूर करिए। मुझे फॉलो करने का तरीका क्या है बच्चे? आलोक कुमार वाजपेयी एजुकेटर में जा करके आलोक कुमार वाजपेयी नाम से आप लोग मुझे सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद में नीचे फॉलो का बटन आएगा, वहां पर मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चे, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के बाद में आपकी कोई भी क्लास होगी वो सारी की सारी क्लासेज आप लोग हमारी देख सकते हैं। जो भी आपकी पहले क्लासेज हुई हैं या जो कमिंग क्लासेस हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लैंडर्स निम्नलिखित में से किस पशु का रोग है? ग्लैंडर्स निम्नलिखित में से किस पशु का रोग है? मुर्गी, घोड़ा, गाय या कुत्ता? किसका ग्लैंडर्स रोग, यानी कि किसमें होता है ग्लैंडर्स रोग? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ग्लैंडर्स रोग की बात करेंगे बच्चे तो ये मुर्गी में नहीं होता है। रानीखेत एक रोग हम लोग कहते हैं ना, रानीखेत, ये मुर्गियों से संबंधित होता है, ये यहाँ पर नहीं होता है। गाय में भी नहीं होता है, कुत्ते का भी नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? घोड़ा में ये ग्लैंडर्स रोग हो जाता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है। अब अगर कुत्ते के काटने से, और वो भी पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो रेबीज होती है, और रेबीज आपकी वायरस बॉर्न डिजीज़ है बच्चे, ये ज़रूर याद रखना है, वायरस बॉर्न डिजीज़ है, और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है भाई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। किस वर्ष में बंगाल को फिर से जोड़ा गया? बंगाल को फिर से किस वर्ष में जोड़ा गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, ठीक है, और इसको दोबारा से एकीकृत कर दिया गया 1911 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911। क्लियर है बच्चे? 1911 में भारत की राजधानी अनाउंस होती है कि दिल्ली होगी,
भारत की राजधानी अनाउंस हो जाती है दिल्ली होगी, और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बन जाती है। 1909 में आपको याद रखना है मार्ले मिंटो एक्ट है, मार्ले मिंटो एक्ट भी 1909 में है, आपको याद रखना है। और अगर आईसीसी की स्थापना पूछी जाती है तब भी आपकी 1909 में ही होती है। 1917 की बात करेंगे तो 1917 की अगर दो साल बाद की हम लोग बात करते हैं, 1919 बेहद महत्वपूर्ण डेट है, वो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, जलियांवाला बाग रोलेट एक्ट और सैंडलर कमीशन की बात करते हैं तो ये 1917 में हो जाता है। सैंडलर कमीशन जो कि शिक्षा से संबंधित होता है, कौन सा बच्चे, सैंडलर कमीशन इस शिक्षा से संबंधित होता है, क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में बैडमिंटन के क्षेत्र में ओलंपिक पदक सबसे पहले किस महिला ने जीता, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, ये दोनों तो देखो पुरुष हो गए तो इनको तो बाहर कर दो। अब बचा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, और साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर साइना नेहवाल ने पहले जीता है लंदन ओलंपिक में, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, साइना नेहवाल, उसके बाद में पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु ने सिल्वर, साइना नेहवाल ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है बच्चे, क्लियर है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, तो आंसर क्या होगा, करणम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला करणम मल्लेश्वरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, करणम मल्लेश्वरी, यानी कि करणम मल्लेश्वरी जो हो गई वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भी पहली महिला हो गई, क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्तुकाल, अट्टुकल पोंगला एक त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हम लोग ओणम कहते हैं तो ओणम कह देते हैं केरला, पोंगल कहते हैं तो पोंगल कह देते हैं तमिलनाडु, ये तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है ओट्टकल पोंगला, ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, आंसर करिए भाई, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करोगे। देखो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए ना पोंगल, तो पोंगल तो आप बता देंगे तमिलनाडु है, ओणम पूछा जाएगा तो केरल बता देंगे, लेकिन अगर अट्टुकल पोंगला पूछा जाए तब भी आपका आंसर केरला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केरला इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। केरला में अगर हम बात करेंगे तो सबरीमाला मंदिर भी है भगवान अयप्पा का, इसके बाद में शांत घाटी भी है, सारे लोग जानते हैं, मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध डांस है, मोहिनी अट्टम याद रहेगा भाई सारे लोगों को। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 5 उप मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं जगन रेड्डी साहब। महाराष्ट्र की बात करेंगे उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी, तो ये हो गए आपके महाराष्ट्र से संबंधित। और हाल ही में चर्चा में है बम्बई, जो कि इसकी राजधानी है, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के सिलसिले में, अब एक नया वहाँ पर एक मामला आ गया कि ड्रग्स का मामला आ गया कि ड्रग्स भाई एक कुछ चैट पाया गया है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो देखिए क्या होता है, फिलहाल एक जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस निश्चित रूप से मिलना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, क्या सच्चाई है, ये जरूर पब्लिक के सामने आना चाहिए, ठीक है। चलिए कर्नाटका के बारे में बात करें तो कर्नाटका के सीएम हो जाते हैं वाईएस येदियुरप्पा और गवर्नर हो जाते हैं वजुभाई वाला, क्लियर है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी शांति पीस अवार्डेड इन 1998 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज या आर्य समाज, फटाफट आंसर करोगे बच्चे, सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करोगे बच्चे, क्या सही आंसर होना चाहिए। देखो गांधी शांति पुरस्कार हम लोग जानते हैं 1 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि है, 1999 में बाबा आमटे को मिलता है, बाबा आमटे को मिलता है, पहला मिलता है जूलियस नेरेरे को मिलता है, और ये 1998 में मिलता है आपका
रामकृष्ण मिशन को, इसको मिलता है रामकृष्ण मिशन। संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी संस्थापक हैं, ठीक है भाई। सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले हैं संस्थापक, ज्योतिबा फुले संस्थापक हैं इसके, सत्यशोधक समाज। और एक और था गुलामगिरी, किताब है गुलामगिरी, किताब का नाम हो गया, ये भी ज्योतिबा फुले से संबंधित। प्रार्थना समाज, केशव चंद सेन, आत्माराम पांडुरंग, ये सब प्रार्थना समाज से संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, किसने की बच्चे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या वास्तविक नाम, तो हम कह सकते हैं मूल शंकर, ठीक है। शुद्धि आंदोलन से संबंधित तब भी आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश, अगर कभी आपसे पूछा जाए ये सत्यार्थ प्रकाश ये किसका है, तो ये भी आपका दयानंद सरस्वती जी का हो जाता है, क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस बृहदेश्वर टेंपल इज लोकेटेड इन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, तंजावुर, कांचीपुरम या खजुराहो? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, देखिए ये बेसिकली केरला से, उसे चोल से संबंधित है, केरला से नहीं कहेंगे चोल से, और चोल से संबंधित है। और जब भी हम बात करते हैं चोल की, तो चोल में राज राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया है, राज राज चोल ने। और बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, और स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे तो तंजावुर में, कहाँ पर? तंजावुर में। अगर स्टेट वाइज कभी आपसे पूछा जाएगा तो केरला मत लगाइएगा, तमिलनाडु आपको लगाना है, क्लियर है भाई। अब पांडे कहाँ के थे? पांडे पांडे आपके मदुरा के थे। और मीनाक्षी मंदिर, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा मीनाक्षी मंदिर, तो ये आपका कहाँ पर है? मदुरै में है। पल्लव अगर पूछा जाएगा, पल्लव, तो पल्लव की कैपिटल क्या थी? यही कांचीपुरम थी, कांची थी पल्लव। और जानते हैं पल्लव का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था, कौन था बच्चे? सिंह विष्णु। आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। चंदेल राजाओं ने, किसने बच्चे? चंदेल राजाओं ने खजुराहो के टेम्पल्स को बनवाया। और खजुराहो है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सारे ऑप्शंस क्लियर हुए यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चे। यहाँ तक क्लियर हुआ सारे लोगों को? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर इम्प्रिजेंड हिज सन, यानी कि किस मुगल सम्राट ने अपने बेटे को कैद किया? हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि मुगल सम्राट में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जिसमें एक शहजादा आता है खुसरो। ये जो खुसरो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है और जाकर के पहुंच जाता है सिखों के गुरु अर्जुन देव के पास। जहांगीर इस प्रश्न का उत्तर है, जहांगीर का पुत्र होता है। जहांगीर गुरु अर्जुन देव को मना करते हैं कि हमारे विद्रोही पुत्र की मदद मत करो, लेकिन नहीं मानते हैं, ये सहायता भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और जहांगीर क्या करता है, फिर एक भैरोबाल का युद्ध होता है जालंधर के पास में, भैरोबाल नामक स्थान पर युद्ध होता है, भैरोबाल का युद्ध, जिसमें खुसरो को पकड़ लेता है, उसको अंधा करवा देता है और अपने विद्रोही पुत्र की सहायता देने के आरोप में इनको मृत्युदंड का, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड का आदेश भी देता है, मृत्युदंड देता है, कौन? जहांगीर, ठीक है। प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जहांगीर। जहांगीर का जो समय है बच्चे, वो चित्रकला का स्वर्णकाल है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल है जहांगीर का काल, यह आपको याद रखना है। औरंगजेब की बात करेंगे, देखिए जिंदा पीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। शाही दरवेज भी औरंगजेब को कहा जाता है, ये सारे औरंगजेब के टाइटल्स हैं। हुमायूं दिल्ली में मकबरा है, आपको याद रखना है। शाहजहां का वास्तविक नाम जरूर याद रखोगे, खुर्रम, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड सेरिब्रल पॉलिसी, सेरिब्रल पॉलिसी मतलब समझते हो एक ऐसी बीमारी होती है जो लाइलाज बीमारी है, यानी कि शरीर का हो सकता है कोई एक अंग ना काम करे, पूरा शरीर काम ना करे। तो इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग को यही बीमारी थी, हालांकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहे, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहे हैं, लेकिन सभी ऐसे
नहीं होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। मैंने भी एक पेशेंट को देखा है, एक बच्चे को देखा है, और बड़ी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि डॉक्टर्स कहते हैं इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई बॉडी का पार्ट हो सकता है, पैर में, हाथ में, या कुछ इस तरीके से मस्तिष्क भी हो सकता है, नेक भी हो सकती है। मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा है जिसका कि पैर में प्रॉब्लम है। तो यानी कि ये इस तरीके से जो ये जो बीमारी है सेरेब्रल पॉलिसी, ये एक डे मनाया जाता है, और ये जो डे है ये कोई डे किसी भी बीमारी का अवेयरनेस डे मनाया जाता है। जैसे हमने अभी आपको ऑटिज़म अवेयरनेस डे बताया है, ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको स्वलीनता बोलते हैं, ये भी आजकल बच्चों में बीमारी पाई जाती है। इसके बाद में अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ये सेरेब्रल पाल्सी डे पूछा गया है, तो डे आपका हो जाता है 6 अक्टूबर को। कब होता है? 6 अक्टूबर को। ठीक है बच्चे, 31 मई को एंटी टोबैको डे होता है, 15 मार्च को उपभोक्ता फोरम दिवस होता है, 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी। जो आपके नोबेल शांति पुरस्कार हैं वो किस शहर में प्रदान किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, नोबेल प्राइज की बात करेंगे 1901 से दिए जाने शुरू किए गए, ठीक है बच्चे, और ये अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में, एंड पीस में। ठीक है, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, और ये ओस्लो में दिए जाते हैं, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में, और इसी देश के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे देश के द्वारा ही एबल प्राइज। और एबल भी एक गणित का ये नोबेल प्राइज कहा जाता है, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 1949 में इस्टेब्लिश किया गया, इसको हम लोग कहते हैं नाटो, और नाटो का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्या आंसर होना चाहिए? मोतीलाल नेहरू कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1911, 1927, 1919 या 1915? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, बिल्कुल, और इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके साथ मिलकर के की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना ये करते हैं बच्चे चित्रंजन दास के साथ मिलकर के, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और ये 1919 में अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। 1919 जलियांवाला बाग भी हुआ, 1919 रोलेट एक्ट भी हुआ, 1927 में साइमन कमीशन बनता है। ये मत कहिएगा भारत आता है, साइमन कमीशन बनता है, और 1928 में ये भारत आता है जब इसको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। क्लियर है? 1915 बच्चे कब? 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कानपुर? क्या आंसर सही होना चाहिए? क्या सही आंसर होना चाहिए? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करोगे। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन, द करेक्ट आंसर विल बी हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोग हाईटेक सिटी भी कहते हैं, चार मीनार यहाँ पर है, चार मीनार बच्चे यहाँ पर है, और चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई है। किसने बनवाई है? कुली कुतुब शाह ने, याद रहेगा ना आप लोगों को? क्लियर है? उसके बाद में नई दिल्ली को 69 अमेंडमेंट से एनसीआर डिक्लेयर किया गया। क्या डिक्लेयर किया गया? एनसीआर। क्लियर है? और अभी हाल ही में वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बनवाया है, और वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो है वो 1000 बेड के लिए, डीआरडीओ का हॉस्पिटल है आपको याद होगा,
और ये आपका 1000 बेड का हॉस्पिटल कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है कि दिल्ली में। कानपुर की बात करें, गंगा नदी के किनारे स्थित है, और जो कृत्रिम अंग निर्माण की जो कारखाना है वो भी आपका फैक्ट्री कहाँ पर है, वो भी आपकी कानपुर में है। ठीक है बच्चे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद विच डिपार्टमेंट ऑफ द अकबर दरबार। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक ईयर जानते हैं 1580, जब अकबर ने एक व्यवस्था शुरू की जिसको हम लोग आईने दहसाला कहते हैं, यानी कि 10 साल के लिए राजस्व तय कर देना फसल को देख करके, और ये इनके वित्त मंत्री होते हैं जिनका नाम है राजा टोडरमल, और ये टोडरमल बेसिकली उत्तर प्रदेश के सीतापुर के लहरपुर के निवासी थे, लहरपुर के निवासी थे। तो इन्होंने आईने दहसाला व्यवस्था शुरू की थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वित्त विभाग। ठीक है बच्चे, क्लियर है। महली जनजाति किस राज्य से संबंधित है, महली ट्राइब किस राज्य से संबंधित है। देखो महली अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे तीन राज्यों में, एक तो झारखंड में है, दूसरा उड़ीसा में है, और तीसरा आपका वेस्ट बंगाल में है। इन तीन राज्यों में महली जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन तीन में से कौन सा राज्य दिया गया ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में सधाने ऐप लाया गया है, सधाने ऐप। दूसरा कोरोना वॉरियर क्लब बनाया गया है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वर्तमान में अगर हैं कहीं तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, डफला पहाड़ी अगर पूछा जाए, डफला तो आपकी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चे, आंध्र प्रदेश के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक नृत्य जरूर याद रखोगे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, यूटी हो गया है, और वहाँ पर नए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, कौन, मनोज सिन्हा साहब को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्लियर हो गए बच्चे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, यानी कि मनोनीत कर सकते हैं, कितने सदस्यों को। देखो बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है संसद में। अब संसद में बात हो गई तो देखिए लोकसभा भी आ जाएगी और राज्यसभा भी आ जाएगी। लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में क्या करता है, 12 सदस्यों को। तो ये टोटल कितने हो गए, यानी कि 14। हालांकि अब जो माना जाता है कि दो एंग्लो इंडियन नहीं नॉमिनेट किए जाते, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग जरूर बताएंगे, 14 आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि संसद पूछा गया है। ठीक है भाई, दो हो जाएंगे इसमें लोकसभा में, 12 हो जाएंगे राज्यसभा, और 22 क्या हैं, भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए कौन से राष्ट्रपति, राधाकृष्णन साहब या शंकर दयाल शर्मा साहब या मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब या इनमें से कोई नहीं, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन से निर्वाचित हुए। देखो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हालांकि ये शुरुआती दौर में होते हैं, कोई नहीं इनके अगेंस्ट खड़ा होता है इलेक्शन में, तो इनको मान लेते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पर इस ऑप्शन को सही माना गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको भी सही मान सकता हूँ, इसको भी सही मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए, पहले ये बनते हैं जब भारत आज़ाद होता है तो ये तो निर्विरोध हैं, उसके बाद में एक और बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो जिनका नाम नहीं दिया गया, नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम बच्चे नहीं दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, वो भी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, तो उनका नाम होता तो हम लगाते, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, राधा कृष्णन से ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कच्चा तेल किन स्थानों में पाया जाता है, कच्चा तेल किन स्थानों में पाया जाता है, आग्नेय का यांत्रिक अवसादी या उपयुक्त सभी, आंसर करो भाई, कच्चा तेल किन स्थानों में पाया जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आग्नेय का यंत्रित अवसादी या उपयुक्त सभी। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कच्चे तेल की बात करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है सेडिमेंट्री में पाया जाता है, यानी कि अवसादी चट्टानों में। भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, भजन सोपोरी वीणा संतूर सरोद या तबला, वीणा संतूर सरोद या तबला।
अगर कभी पूछा जाएगा भजन सोपोरी के बारे में, तो भजन सोपोरी हम कह देंगे बच्चे ये आपके संतूर से संबंधित है। अमजद अली खान कहते हैं तो सरोद से, जाकिर हुसैन कह देते हैं तो तबला से, याद रहेगा भाई सारे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डलहौजी एक स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे, यूपी, एमपी, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। डलहौजी, देखिए डलहौजी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हिमाचल प्रदेश आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक झील है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, फुलहर, और ये पीलीभीत में पड़ती है। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, देखो एक बार समझ लो, रोको टोको अभियान मास्क को लेकर के आ गया, और इंतजार आपका आ गया, किल कोरोना भी आ गया, ये सब मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2001, 2013, 17 या 2010-11? अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में ये बच्चे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन कहें या म्यूटेनिज्म कहें, एक ही बात है। उत्परिवर्तनवाद के जनक कभी पूछे जाएं तो आपका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डिब्रीज, पूरा नाम है ह्यूगो डिब्रीज, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या ब्रोमाइड होता है, फ्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है? ये बच्चे कुछ भी नहीं होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड, ये वाला गलत है, सही आंसर हो जाएगा बच्चे ये फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, ये नहीं होगा। और ऊपर वाले ये जो हम लोग देखते हैं ना, ये ऊपर वाला नहीं होगा, आयोडाइड नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड, क्लियर है, फ्लोराइड प्रश्न का सही उत्तर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहली वाल सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया था? देहली वाल सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया था? FST, बहलोल लोधी, मोहम्मद गोरी या अकबर? देखो फिरोज शाह तुगलक के दो सिक्के हैं, एक है अद्दा और दूसरा है बिख, ये सिक्के FST के हैं। बहलोल लोधी का भी एक सिक्का है जिसको हम लोग कहते हैं बहलोल, ये अकबर के समय तक चलता है। मोहम्मद गोरी ने देहली वाल सिक्का चलाया, सही है ये, मोहम्मद गोरी आंसर हो जाएगा। अकबर ने जलाली भी सिक्का चलाया जो एक चौकोर सिक्का था, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आंसर करोगे भाई, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। देखो चेयरमैन ऑफ PSC करता है, एडवोकेट जनरल करता है, मुख्यमंत्री करता है, लेकिन इनको शपथ दिलाता है, जो हम कहेंगे ना कि ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन नियुक्ति नहीं करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भाई, जो कि नियुक्ति नहीं करता है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं बच्चे। तो आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करेंगे, सब्सक्रिप्शन जब भी प्राप्त करें उसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, SSC गोल सेलेक्ट किया आपने, फिर प्लस पे जाना है, प्लस पे जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन में आपको जितने ड्यूरेशन का बच्चे सब्सक्रिप्शन करना है वहाँ पर क्लिक कर देना है, एक अमाउंट लिख करके आ जाएगा, अमाउंट जो भी लिख करके आएगा फिर आप एक नीचे रेफरल कोड जरूर लगाएंगे, आप लगाएंगे ABCERTAIN, ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही लगाएंगे उस अमाउंट से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करें, और मेरा जो रेफरल कोड है इस तरीके से आपको लिखना है, ABCERT कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आज का सेशन बच्चे कैसा लगा एक बार लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है Wi-Fi Study SSC एग्जाम चैनल को, तो फटाफट यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर से मुलाकात होगी आपके साथ में, लेकिन तब तक के लिए बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना से बच के हम सभी को रहना है। थैंक यू।